ये दिख रहा है ना, अल्फा की वैल्यू एच अपॉन माइनस यू है, बीटा की वैल्यू एच अपॉन वी है, गामा की वैल्यू एच अपॉन प्लस आर है। ये वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, जो हमने स्नेल्स लॉ से रिलेशन एस्टेब्लिश किया था ना, आई और आर की जगह वैल्यू पुट की थी, ठीक है। अब वो वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, जैसे एच वन इंटू अल्फा की वैल्यू एच अपॉन माइनस यू प्लस गामा की वैल्यू एच अपॉन प्लस आर इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा यानी एच अपॉन प्लस आर माइनस बीटा मीन्स एच अपॉन प्लस वी। अब दोनों में अगर एच कॉमन ले लिया जाए, इधर से भी एच कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू वन वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू ब्रैकेट में वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी, ये होगा। अब म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। ये म्यू टू अपॉन वी को लेफ्ट साइड भेज दो और ये म्यू वन अपॉन आर को राइट साइड भेज दो। तो ये रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये हुआ। अब इसमें एलसीएम हम आर ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन और ये होगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन वी। ये रिलेशन आया, ऑब्जेक्ट की ये यू है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर और दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये रिलेशन आया रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की और ये इमेज रियल बनी है, उनके बीच में ये रिलेशन आ रहा है और ये सिंगल इंटरफेस का रिफ्रैक्शन है, डबल इंटरफेस का रिफ्रैक्शन नहीं है। जिस तरह लेंस में दो इंटरफेस होते हैं ना, यहाँ पर सिंगल इंटरफेस है। हाँ, एक तरफ म्यू टू है, एक तरफ म्यू वन है। म्यू वन एयर मान लो थोड़ी देर के लिए, म्यू टू ग्लास मान लो,